good morning students hope you all are well at home so today we discuss about the last two our uh, diagrams that is when the object is at the f that is focus and when it, the object is between focus and pole पोल और फोकस के बीच में हो तब और जो हमारा ऑब्जेक्ट है जब फोकस पे हो ठीक है हमने एक ऑब्जेक्ट किया हमने इससे पहले केस किया था फर्स्ट केस कि जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनीटी पे होता है तो हमारा जो पोजीशन है इमेज की वो कहाँ बनती है फोकस पे अगर उसका अपोजिट लेके चले कि हमारा ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे है तो हमारी इमेज कहाँ बननी चाहिए इन्फिनिटी पे राइट right. तो इसका मतलब क्या है हमें इसका आंसर पता है दैट इज़ वेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस अवर इमेज विल बी फॉर्म एट द इन्फिनिटी दैट इज़ अपोजिट टू द फर्स्ट केस सो द इमेज साइज विल बी हाईली मैग्नीफाई वहाँ पर क्या थी ये भी अपोजिट हो गया वहाँ पर डिमनिश थी यहाँ पर क्या है मैग्नीफाई है यहाँ पर क्या बनेगी सेम रियल एंड इन्वर्टेड इमेज सो लेट सी द रे डाइग्राम so this is the ray diagram in which the object is at the focus focus के ऊपर है आप देखो एक ray हमने क्या किया center of curvature में से pass की है and second ray is parallel to principal axis and after reflection it is pass through the focus but they cannot meet any one point ये दोनों किसी भी एक point पर नहीं मिलते हैं that mean क्या है जो हमारा uh, image है वो क्या बनेगी infinity पे बनेगी so this is the फोर्थ केस फिफ्थ केस सॉरी एंड अवर सिक्स केस इज वैन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द एफ एंड पी एफ एंड पी के बीच में है तो बिहाइंड द मिरर यानी जो हमारे पास इमेज बनेगी वो क्या बनेगी मिरर के पीछे बनेगी मैग्नीफाइड यानी लार्ज बनेगी एंड वर्चुअल एंड इरेक्टेड वर्चुअल यानी उसको हम अपने स्क्रीन के ऊपर नहीं दे सकते इरेक्टेड यानी सीधी बनेगी ठीक है सो दिस इज द केस You can see when the object in between the focus and pole, one line cross from the center of curvature and second is here. पोल से टकरा कर क्या जाएगी वो रिफ्लेक्ट होकर सेम उसी एंगल पे क्या होगी रिफ्लेक्ट होगी ये हमने किया था रूल दैट जिस एंगल पर वो पोल से टकराएगी उसी सेम एंगल से क्या होगी रिफ्लेक्ट होगी यू कैन सी ये कभी भी इनके बीच में डिफरेंस क्या है बहुत ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं एक अगर हम मैग्नीफाई करके देखें इसको कि इमेज कहाँ बनेगी तो हम क्या कर सकते हैं हम जो रेज है यहाँ की उनको पीछे डोटेड लाइन्स में क्या करेंगे मैच करने की कोशिश करेंगे एंड दे

रेडाइग्राम दैट इज द एट वेन इट इज एट इन्फिनिटी बिहोन करवेचर एट्स करवेचर बिटवीन फोर्स फोकस एंड करवेचर एट फोकस एंड फोकस एंड पोल नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूज ऑफ कौनके मिररर कौनकेव मिररर को हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं कौनकेव मिररर आर कॉमनली यूज इन टॉर्च स्वर्च लाइट एंड व्हीकल्स हेडलाइन टू गेट अ पावरफुल पेरलर बीम्स ऑफ द लाइट हम क्या कहाँ यूज़ करते हैं इसको टॉर्च लाइट यानी हम जो टॉर्च यूज़ करते हैं उसमें या जो व्हीकल्स होते हैं उसके मिरर में यूज़ करते हैं ताकि जो हमें लाइट है वो क्या मिले ज़्यादा अमाउंट में मिले और हमें हारा जो रास्ता है यानी अगर हम हमारे हेडलाइट्स की अगर मिरर है वो कॉन्केव है तो हमें क्या मिलेगी पावरफुल बीम मिलेगी दैट इज़ क्या हमें एक ज़्यादा जगह पर क्या मिलेगी रोशनी मिल पाएगी एंड It is used uh, often used to shaving mirror or la see a large image of face. Dentist use the mirror to see large image of the. पेशेंट टिथ यानी क्या है इसको हम तो एक तो शेविंग मिरर एज अ मिरर हम यूज़ करते हैं यानी आप देखोगे जहाँ पर शॉप्स वगैरह पे जाते हैं आपको आपका फेस अनलार्ज नज़र आता है वो किसकी वजह से मिलता है कॉन्केव मिरर के एंड सेकेंड थिंग डेंटिस इसका यूज़ करते हैं ताकि वो क्या देख सकें जो टिथ है आपके उनको लार्ज फॉर्म में देख सकें और जो उसमें प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें एंड नेक्स्ट यूज इज़ लार्ज कॉन्केव मिररर आर यूज टू कंसेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन द सोलर फरनेंस जो सोलर आपके आपने देखा होगा गाँवों में भी लगे होते हैं दैट इज़ उसके अंदर कौन केवी मिरर बड़े बड़े लगाए होते हैं ताकि जो कंसनट्रेशन है हीट की वो क्या हो जाए एक जगह पर हो जाए और मैक्सिमम क्या हो हीट प्रोड्यूस और हम उसका यूज कर पाएं जो भी हमने उनको कन्वर्ट करना है एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या मिले वहाँ से मिल पाए सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ concave mirror and we have discussed in this video two things that is the ray diagrams of concave mirror and second thing is the uses of concave mirror so this is all about for today class thank you